मथुरा की सांसद हेमा मालिनी मंगलवार को यमुना शुद्धिकरण के लिए यमुना भक्तों को लेकर दिल्ली में जल शक्ति मंत्री के कार्यालय जाकर उनसे मिली और शीघ्र यमुना को शुद्ध करने की मांग की। मंगलवार को मथुरा की सांसद हेमा मालिनी दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय पहुंची। वहां उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ यमुना शुद्धिकरण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में मथुरा के हिंदूवादी नेता और यमुना प्रदूषण मामले के याचिकाकर्ता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी और विजय बहादुर सिंह भी मौजूद रहे। नमामि गंगे के डायरेक्टर सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में यमुना शुद्धिकरण अभियान के तकनीकी सलाहकार रवि मूंगा ने जल शक्ति मंत्री के सामने अपनी मांगों को जोरदार ढंग से रखा और कहा कि यमुना में अविरल और निर्मल जल सभी यमुना भक्तों को चाहिए। इसके लिए यमुना में गिरने वाले नालों को तत्काल रोका जाए और हथनी कुंड से लगातार पानी छोड़े जाने की स्थायी व्यवस्था की जाए। यमुना प्रदूषण को लेकर हेमा मालिनी गंभीर दिखी। उन्होंने भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से जल्द यमुना को प्रदूषण से मुक्त कराने का आग्रह किया। इस बैठक में हेमा मालिनी के प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।